आईसीआईसीआई बैंक एमडी और सीईओ चंदा कोचर की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। वीडियोकॉन लोन केस को लेकर चंदा कोचर के खिलाफ सीबीआई ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। इस तरह की खबरें आ रही हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने चंदा कोचर ही नहीं, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन ग्रुप चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को लेकर भी लुकआउट नोटिस जारी किया है। हालांकि इन तीनों के खिलाफ सीबीआई ने लुकआउट नोटिस जारी किया है या नहीं, इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि जांच एजेंसी की तरफ से नहीं की गई। अगर ऐसा है तो इन तीनों पर ही देश न छोड़ने की सख्त मनाही है। वहीं विशेषज्ञों की माने तो ये लुकआउट नोटिस एहतियातन जारी किया गया है। इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि पिछले दिनों सीबीआई ने वीडियोकॉन ग्रुप को 3,250 करोड़ रुपए का लोन देने के मामले में अपनी शुरुआती जांच की तो ये बात सामने आई कि धोखाधड़ी के कई मामलों में आरोपी अक्सर विदेश भागने की फिराक में रहते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। वीडियो ग्रुप के मालिक वेणुगोपाल धूत पर आरोप है कि उन्होंने साल 2008 से 2011 के बीच चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को अपनी एक कंपनी कुछ लाख रुपए में बेच दी। इसके बाद अपनी एक कंपनी से करीबन 3 करोड़ रुपए का लोन दिया। बाद में 2012 में आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन ग्रुप को 3,250 करोड़ रुपए का लोन दिया और 2017 में इसमें से करीब 2800 करोड़ रुपए एनपीए घोषित कर दिया। बहरहाल सीबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से वीडियोकॉन ग्रुप को दिए गए 3,250 करोड़ रुपए के लोन के मामले में शुक्रवार को चंदा कोचर के देवर राजीव कोचर से भी करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। राजीव कोचर से सीबीआई अधिकारियों ने वीडियोकॉन को दिए गए लोन की रीस्ट्रक्चरिंग के कई पहलुओं पर पूछताछ की थी। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली।